नमस्कार, जय माता जी की। आपको चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के सैनन गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, माँ काली के दरबार का। ये एकमात्र सुजानगढ़ तहसील में गोपालपुरा के बाद में दूसरा ऐसा मंदिर है जो कि एक विशाल पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है और बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर सैनन का होता है। खासतौर से जब नवरात्र का मेला चलता है तो यहाँ पर न केवल राजस्थान के भक्त आते हैं बल्कि बाहर के भी कई सारे बहुत सारे भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो सैनन गांव है ये लगभग रतनगढ़ और सारासर जोड़ने वाली जो रोड है उसके ठीक पूर्व साइड में ये बसा हुआ है। आपको जब भी मौका मिले तो सैनन माता के दरबार में आप जरूर आइए। यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराती है और खासतौर से जो कालिका माता के नवरात्र होते हैं, नौ दिन के शारदीय नवरात्र, उस दौरान बहुत सारे भक्तों की भीड़ भी रहती है। तो आपको जब भी मौका मिले तो यहाँ पर जरूर आना। और उसके बाद इस कालिका माता मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो आखिरी नवरात्र होता है उस दिन यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल कबड्डी का टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है जो कि राजस्थान से बाहर भी बहुत सारे हरियाणा से, पंजाब से, उनके अलावा महाराष्ट्र से, उनके अलावा जम्मू कश्मीर से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। आपको सैनन कालिका माता मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं। हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत मुड़ा के पूर्व सरपंच और ही निवासी चार्य के राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और हम काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और माँ काली से कामना करते हैं कि आपका ये जीवन हमेशा यूँ मुस्कुराता रहे, यूँ हंसता रहे। ये कालिका माता मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं चारों तरफ से। आपको जब भी मौका मिले तो अति प्राचीन मंदिर है, साथ में बाबा भोले का भी मंदिर है और यहाँ पर अभी सावन का पावन महीना चल रहा है तो आपको जब भी माता जी के दर्शन का मौका मिले तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना। और ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो कि आसपास के कहीं भी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती है, केवल कालिका माता मंदिर शानड़ है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है और बहुत सारे यहाँ पर भक्त आते हैं और आज सावन का सोमवार भी है, सुबह से काफी सारे भक्त